method. Link list add method को समझने के लिए आए हम पहले list add method को समझ लेते हैं. List add method में जब भी कोई number add करवाया जाता है तो जो जहाँ पे current pointer point कर रहा होता है उससे right side पर सारी values को shift कर दिया जाता है और pointer से आगे वाली जगह पे add number को add कर दिया जाता है. यानी कि अगर 8 पे pointer point कर रहा है, current pointer जो अगर 8 पे point कर रहा है तो उससे जो right side वाली value वो सारी shift हो जाएंगी इस side पे, और यानी कि right side पे सारी shift हो जाएंगी, right side वाली सारी value ही right side पे shift हो जाएंगी. okay, और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा. जितनी भी हमने वैल्यू ऐड करवाई होंगी 1 या 2, तो उससे उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ होता रहेगा. अगर यहाँ पे अब साइज़ हमारे पास 5 है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह अगर हम इसमें 1 ऐड करवाएंगे तो ये 6 हो जाएगा. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पॉइंटर 8 को पॉइंट कर रहा था, उसके बाद हमने 9 को ऐड किया तो वो सारी वैल्यूज जो पॉइंट 8 वैल्यू से आगे थी, 8 वैल्यू से राइट साइड पे थी, वो राइट साइड पे ही शिफ्ट हो चुकी, और 8 जहाँ पे करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उससे आगे वाली वैल्यू, उससे आगे वाली जगह को न्यू नोड के लिए खाली कर दिया गया और 9 वैल्यू को वहाँ पर ऐड कर दिया गया. और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 7 4 पे पॉइंट कर रहा, 7th वैल्यू जो है 4th मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रही थी, वो 4th पे नहीं रहेगी, वो शिफ्ट होने के बाद वो 5th पे चली जाएगी, और जो 1 वैल्यू है वो 5th पे कर रही थी वो वहाँ पे न्यू नोड के आने के बाद 6th मेमोरी एड्रेस पे चली जाएगी, और 7th जहाँ पे था वो वहाँ पे, वो ऑब्वियसली अगर 5 पे चला जाएगा तो वो 4th जो मेमोरी एड्रेस, 4th मेमोरी एड्रेस वाली जगह वहाँ पे वो खाली हो जाएगी न्यू नोड के लिए, और वहाँ पे वो न्यू नोड ऐड हो जाएगा. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू नोड जो 9 हमने ऐड किया करवाया था 8 के बाद, जहाँ पे पॉइंटर पॉइंट कर रहा था वहाँ पे राइट शिफ्ट होने के बाद 7 5th मेमोरी एड्रेस पे चला गया, 1 6th मेमोरी एड्रेस पे चला गया, और 4th मेमोरी एड्रेस पे 9 वैल्यू आ गई. हमारा करंट पॉइंटर भी इसी तरह शिफ्ट हो गया और वो 9 को पॉइंट करने लगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है. होपफुली आपको लिस्ट एड मेथड समझ आ चुका. आए हम अब लिंक लिस्ट एड मेथड पे नज़र डालते हैं, उसके डायग्राम को समझते हैं पहले. यहाँ पे हमें लिस्ट दी गई है जिसमें 2, 6, 8, 7, 1. लिंक लिस्ट में आप जानते हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक डाटा पार्ट होता है, एक पॉइंटर पार्ट होता है, जिसमें डाटा पार्ट में वैल्यू होती है, और जो पॉइंटर पार्ट होता है उसके पास एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के पास, 2 जो है ये डाटा पार्ट में है, और 2 के पास जो नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट है उसका, उसके पास एड्रेस है 6 का. अब हम यहाँ पे न्यू नोड ऐड करवाने वाले हैं, तो न्यू नोड के लिए जब हमने उसे न्यू नोड बनाने का कहा, न्यू नोड के लिए स्पेस बनाने का कहा, तो उसने जहाँ पर करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उससे नेक्स्ट पे सारी वैल्यूज शिफ्ट, राइट शिफ्ट पे शिफ्ट कर दी और न्यू नोड के लिए स्पेस बना दी. मेथड में न्यू नोड को ऐसे लिखते हैं, न्यू नोड टाइप न्यू नोड, ये वेरिएबल है, ठीक है, और न्यू ये पॉइंटर, और न्यू नोड यानी कि ये नोड अलग है, और ब्रैकेट्स यहाँ पे जो आप जितनी वैल्यू ऐड करवाएंगे. यहाँ हमारा करंट पॉइंटर 8 को पॉइंट कर रहा है, इसी वजह से वो राइट शिफ्ट 8 से आगे राइट शिफ्ट होकर सारी वैल्यूज़ ने जगह बना दी न्यू नोड के लिए. यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि न्यू नोड के लिए तो हमने स्पेस बना दी थी, अब जो न्यू नोड है सबसे फर्स्ट स्टेप उसको ऐड करने का ये होगा कि जो न्यू नोड का पॉइंटर पार्ट है वहाँ पर हम जो उससे नेक्स्ट वैल्यू थी, करंट पॉइंटर से जो नेक्स्ट वैल्यू थी उसका एड्रेस दे देते हैं. यानी कि न्यू नोड के पास 7 का, यानी कि 9 न्यू नोड है, तो उसके पॉइंटर पार्ट में 7 का एड्रेस चला जाएगा, जो एड्रेस पहले 8 के पॉइंटर पार्ट के पास था वो उससे पॉइंट कर रहा था, अब बाद में वो इससे पॉइंट करेगा, यानी कि वो इसके पास आ जाए. इसको मेथड में कुछ इस तरह से लिखेंगे, न्यू नोड सेट नेक्स्ट फ्रंट नोड गेट नेक्स्ट, यानी कि जो न्यू नोड है उसका सेट नेक्स्ट करो, जो नेक्स्ट है सेट नेक्स्ट, यानी कि उसके नेक्स्ट पे करो करंट नोड का, जो करंट नोड था उसके गेट नेक्स्ट, यानी कि उसका जो नेक्स्ट था उसको सेट कर दो न्यू नोड के
नेक्स्ट पे। पहले हमने न्यू नोड के पॉइंटर पार्ट को फिल किया, अब हम करंट नोड के पॉइंटर पार्ट को फिल करेंगे जो कि करंट नोड 8 है। 8 है तो इसका जो पॉइंटर पार्ट था वो 7 को पॉइंट कर रहा था जो कि बाद में 9 के पास दे दिया गया। ओके, और अब इसका ये वाला पॉइंटर पार्ट तो खाली हो गया, जो इसके पास ऑब्वियसली आई की वैल्यू वो उस इसके पास उसका ही एड्रेस होगा, तो हम इसको 9 का एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, जैसे हमने 9 से आगे आने वाली वैल्यू को आगे आने वाली वैल्यू का एड्रेस दिया था। इसको मेथड में कुछ यूँ लिखते हैं, जो करंट नोड है, करंट नोड यानी कि ये, इसका सेट नेक्स्ट करो, जो सेट नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंटर उसका सेट नेक्स्ट करो न्यू नोड को, यानी कि न्यू नोड जो न्यू ऐड हुई है इसको सेट नेक्स्ट करो, यानी कि 8 का जो सेट नेक्स्ट पार्ट है उसको न्यू नोड पे ऐड कर दो, उसका न्यू नोड एड्रेस ऐड कर दो जो 8 का नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट है उसमें। यहाँ पे तो आपने देख लिया कि जो करंट नोड है 8 उसके सेट उसका जो नेक्स्ट हमने सेट किया है वो न्यू नोड का एड्रेस सेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इसने नेक्स्ट ये बताया है कि लास्ट जो करंट नोड है यानी कि जो 8 है यहाँ पे हमारे पास, वो अब उसको हम लास्ट करंट नोड नहीं कहेंगे, उसको हम लास्ट करंट नोड कहेंगे, यानी कि जो अब नई आने वाली करंट नोड होएगी, यानी कि जो न्यू नोड हमने यहाँ पे 9 ऐड किया है उसको हम करंट कहेंगे, करंट नोड कहेंगे, और 8 को हम लास्ट करंट नोड कहेंगे। जो न्यू आने वाली नोड वो उसको पॉइंटर करंट पॉइंटर पॉइंट करने लगेगा, और जो पहले जिसको पॉइंट कर रहा था उसको छोड़ के वो वाकई न्यू नोड की तरफ आ जाएगा। इसको लिखने का मेथड कुछ यूँ है, लास्ट करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड, यानी कि करंट नोड जो लास्ट करंट नोड जो थी उसको अब हम करंट नोड कहेंगे। ठीक है, और जो करंट नोड थी, करंट नोड जिसको हमने अब करंट नोड कहा है वो कौन सी है, न्यू नोड। अब ये डायग्राम कुछ यूँ आपको नज़र आएगी कि इसमें हमने 2688 पॉइंटर था पहले हमारा, यानी कि जो 8 जहाँ पे हमारा पॉइंट करंट पॉइंट कर रहा था वहाँ पे, अब न्यू नोड के आते ही वो वहाँ पे उसे पॉइंट करने लगा और ये लास्ट करंट नोड बन गई। ठीक है, और ये न्यू नोड यहाँ पे राइट शिफ्ट होने के बाद 7 से पहले और 8 के बाद यहाँ पे पॉइंटर के पास ऐड हो गई, और इसके पास इसका जो पॉइंटर है इसको 7 का एड्रेस मिल गया, और इस जो लास्ट करंट नोड का पॉइंटर है उसको न्यू नोड का एड्रेस मिल गया। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है कि वहाँ पे लास्ट करंट नोड था जो हमारा करंट नोड हमने जहाँ पे ऐड कर दी थी वो हमारा एक प्रोसीजर था, और उसके बाद वहाँ पे वो एक सिचुएशन थी जहाँ पे अगर हमारे पास लिस्ट में कोई नंबर है तो हम ऐड करते जाएं, अगर हमारे पास लिस्ट में कोई नंबर नहीं है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जो नया जो हेड पॉइंटर होगा हमारा उसको हमने सेट कर देना है स्टार्ट पे। ठीक है, और यानी कि जो करंट आने वाला न्यू नोड होएगा उसके उसका जो करंट पॉइंटर जिसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसको हमने नल कर देना है, उसको ज़ीरो कर देना है, और उसको और जो लास्ट आने वाला होगा उसको हमारा पॉइंटर करंट पॉइंटर पॉइंट करने लगेगा, और जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा न्यू नोड का उसको उसको हम ज़ीरो कर देंगे। इतना हमने इसमें नंबर इस तरीके से ऐड करते जाना है, हर आने वाले नए नंबर को हमारा करंट पॉइंटर पॉइंट करेगा और उसका नेक्स्ट जो पॉइंटर होगा वो ज़ीरो होता जाएगा। ओके, इसके लिए हमने यू मेथड कुछ यूँ लिखना है, हमारी के जो हमारी न्यू नोड आए उसका नेक्स्ट जो पॉइंटर हो उसको हम नल कर दें। ठीक है, इस तरीके से, और जो हमारा हेड पॉइंटर हो उसको उसका जो सेट नेक्स्ट हो हम वो उसको न्यू कर दें, न्यू नोड पे सेट कर दें, यानी कि उसके नेक्स्ट पे हम न्यू नोड का एड्रेस, और जो लास्ट करंट नोड हो उसको हम न्यू नोड उसको हम हेड नोड पे जो लास्ट करंट नोड हो उसको हम हेड नोड पे सेट कर दें। जो लास्ट करंट नोड कुछ भी नहीं थी यहाँ पे तो हमारे पास, तो उसको यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा वो, और जो अब नया करंट नोड आता जाए वो न्यू नोड को पॉइंट करता जाए। इसी तरह इस प्रोसीजर के ख़त्म होने के बाद हमारा साइज़ इंक्रीमेंट करता जाएगा बाय वन। होपफुली आपको अगर डायग्राम समझ आ गई होगी। आज हम इस मेथड को देखते हैं। मेथड में ये ऐड वर्ड ऐड मेथड नेम है, और ये इंटीजर टाइप आपने नंबर यहाँ पे ऐड करने हैं क्योंकि इंटीजर हमारे पे यहाँ पे लिस्ट है। ओके, अब न्यू नोड यहाँ पे उसने न्यू नोड को बनाने के लिए ये मेथड लिखा है, नोड न्यू नोड ये आपका